हेलो गाइज, दिस इज समीर वाडकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इन दिस वीडियो यार मैं आपसे बात करूंगा ईबीसी डाउट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ पे यार स्टूडेंट को ईबीसी स्कॉलरशिप रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। तो इन गाइज बहुत स्टूडेंट को डाउट्स होते हैं और उनको डर भी होता है अगर कोई छोटी सी स्मॉल मिस्टेक की तो उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट ना हो पाए। अगर रिजेक्ट हुआ तो उनको अमाउंट नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप अमाउंट। तो गाइज अगर कोई भी मिस्टेक करते हो तो देन गाइज आपको रेक्टिफाई करने के लिए भी एक ऑप्शंस मिलते हैं। ये गाइज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, कब तक स्कॉलरशिप अमाउंट आता है, आपको राशन कार्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बेनिफिशियरी अकाउंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे फर्स्ट थिंग इज लाइक प्रोसीजर क्या होती है ईबीसी स्कॉलरशिप, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका पूरा प्रोसीजर मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये सबसे पहले आप यार महाडीबीटी पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, प्रोफाइल क्रिएट करते हो, ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो और जैसे ही आपका ईबीसी स्कॉलरशिप फॉर्म आप सक्सेसफुली अप्लाई करते हो देन गाइज उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी इनकम सर्टिफिकेट, बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट और भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जाके सबमिट करनी होती है और वहाँ पे आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। तो गाइज जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये फॉर्म आपका कॉलेज के पास जाता है, ठीक है। तो कॉलेज आपका फॉर्म दो बार वेरीफाई करेगी, ठीक है। तो दो बार वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, वो आपको देखेगी, आपका हर एक स्टूडेंट का कॉलेज चेक करेगा कि इसने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है। पूरा वेरीफाई होने के बाद ही दो बार आपको मेल आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेरीफाइड हो गया एट कॉलेज लेवल। तो सबसे पहले आपको कॉलेज लेवल पे दो बार आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा और उसके बाद आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है वो गवर्नमेंट के पास, आपको कॉलेज गवर्नमेंट के पास सेंड करेगा, ठीक है। जब गवर्नमेंट के पास आपका फॉर्म जाएगा तो यार गवर्नमेंट को कॉलेजेस के ऊपर ट्रस्ट होता है, कॉलेज ने वेरीफाइड किया है बट फिर भी गवर्नमेंट भी आपका वेरीफाई करता है, ठीक है। और जैसे ही वेरीफाई होगा आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट दो तीन मंथ के अंदर स्कॉलरशिप अमाउंट गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। बट गाइस आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होता, स्कॉलरशिप अमाउंट भी दो इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता है, ठीक है। और जब अकाउंट में आपके जो प्रोफाइल होती है वहाँ पे आपको रिडीम करना होता है, दो इंस्टॉलमेंट में आएगा अमाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हाफ आएगा लाइक जितना भी अमाउंट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको दो बार रिडीम करना होता है, ठीक है। जैसे आप रिडीम करोगे तो आपका अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आप जितना भी अमाउंट है वो कॉलेज के अकाउंट में जाता है, ठीक है, कॉलेज के बैंक अकाउंट में जाता है। तो अगर आपने फुल फीस पे की है, ठीक है, और आपका स्कॉलरशिप अमाउंट आपको रिटर्न चाहिए देन गाइज ये जो अमाउंट है वो कॉलेज के बैंक अकाउंट में आएगा एंड देन उसके बाद कॉलेज आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल फीस पे की है सारे स्टूडेंट के अकाउंट में कॉलेज पैसा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देती, ठीक है। तो इतना भी ज़्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है लाइक तीन चार मंथ में। और एक बार आपने अपना अप्रूवल हो गया तो गाइस टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो जैसे अप्लाई करते हो भूल जाओ कि आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उसके बाद आपको अपना अमाउंट आएगा। अभी और स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं कि भैया हमने मिस्टेक्स की तो उसको रेक्टिफाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपका फॉर्म कॉलेज के पास जाता है, ठीक है। कॉलेज के पास जाएगा, अगर आपने कोई मिस्टेक्स की है तो कॉलेज के प्रोफेसर आपको बताएंगे, अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो आपको कॉल करके बताएंगे कि स्टूडेंट तूने ये गलती की है, यू हैव टू रेक्टिफाई इट, ओके। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कॉलेज के जो प्रोफेसर है, कॉलेज का जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन करता है, मीन्स आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर गलती की है तो आपको फिर से अप्लाई करना है, आपका फॉर्म ओपन हो जाता है तो सर ने जो भी आपको बताया यहाँ पे मिस्टेक है ये रेक्टिफाई करो, वो रेक्टिफाई करके फिर से आपको सबमिट पे क्लिक करना है, देन आपका फिर से चेक होगा, फिर से कॉलेज के पास ही जाएगा। जब तक आपको दो मेल नहीं आते वेरीफाइड एट कॉलेज लेवल तब तक आपको कुछ नहीं, जैसे ही कॉलेज लेवल पे वेरीफाइड हो जाता है जितने भी मिस्टेक्स करो 10 बार करो 15 बार करो, जब तक कॉलेज से वेरीफाइड गवर्नमेंट के पास नहीं जाता तब तक यू आर सेफ। बट एक बार आपने गवर्नमेंट के पास चला गया एंड बाद में पता चला मिस्टेक है देन गाइज गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, आपका रिजेक्ट होगा फॉर्म शायद से। अभी बात करते हैं यार बैंक डिटेल्स के बारे में। गाइज बैंक
तो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट का यार बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता एक दूसरे से, लाइक मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, एंड अगर आप माइनर हो, अगर आपके एज 18 ईयर से कम है, देन गाइज आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करना है, फिर आपका बैंक अकाउंट में आपका मैपिंग होना जरूरी है, NPCI मैपिंग, ठीक है, तो वो चीज़ आपको एक नोटिस करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि राशन कार्ड कंपलसरी है कि नहीं, तो गाइज राशन कार्ड यार कॉलेज में आपको सबमिट करना होता है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपको राशन कार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। राशन कार्ड क्यों लगता है, बिकॉज उनको वेरीफाई करना होता है कि तुम्हारी फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, ठीक है, बट वो सेम चीज़ बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट में हम डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग कितने इतने स्टूडेंट है और हमने हमारे फैमिली में कितने नंबर स्टूडेंट ने EBC लिया है। तो बेसिकली EBC दो ही स्टूडेंट ले सकते हैं एक फैमिली से, तो इसलिए वो राशन कार्ड उनको चेक करना होता है। बट आपको एक चीज़ बताऊँ, लाइक लास्ट ईयर ऑनलाइन था, तो गाइज राशन कार्ड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने कॉलेज में जाके सबमिट नहीं किए थे, इसका मतलब आपके कॉलेज पे डिपेंड होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में राशन कार्ड कॉलेज में आपको पूछेंगे, बट अगर आपके पास नहीं है देन गाइज आप प्रोफेसर से या फिर जो स्कॉलरशिप उनसे बात कीजिए, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, देन वो जो बताएंगे वो आपको सुनना पड़ेगा, लाइक राशन कार्ड नहीं है तो क्या, बिकॉज आपको उनको भरोसा दिलाना होता है कि यार हमारे फैमिली में इतने ही स्टूडेंट चिल्ड्रन हैं और हम मैं फर्स्ट कैंडिडेट हूँ जो कि EBC स्कॉलरशिप का अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार उनको ट्रस्ट हो गया अपने ऊपर, बिकॉज यार गवर्नमेंट भी एक फैमिली से दो चार स्टूडेंट को तो नहीं दे सकती ना, तो वही उनको यार वेरीफाई करना होता है, ठीक है। आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट के और डाउट्स रहेंगे, तो फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और सब लोग यार डाउट्स पूछो इन द कमेंट सेक्शन ओनली, बिकॉज सेम डाउट बहुत लोगों को होता है, तो वहाँ पर अगर रिप्लाई मैं देता हूँ या फिर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए वहाँ पे, तो ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।